हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। तो आप सभी देख सकते हैं कि फिलहाल मैं अभी अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ, तो इसी तरह आप सिलेक्शन लेके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, एआरआई के एग्जाम में बताया था, लेकिन आप लोगों को बहुत सारे डाउट थे इसकी क्वालिफिकेशन को लेके, तो उसका वीडियो मैंने बिल्कुल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की संपूर्ण जानकारी का। वीडियो मैं आपको पहले से दे चुकी हूँ, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी थी आप लोगों के लिए, जिसपे मैंने एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट और एग्जाम डेट के बारे में आप लोगों से बात की थी। ठीक है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में बताया तो आप में से बहुत लोगों को डाउट हो रहे थे। ठीक है, डिप्लोमा से रिलेटेड आप लोगों के डाउट थे, तो वो इस वीडियो में आपके क्लियर करने के लिए ये वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है जो मैं क्वालिफिकेशन के ऊपर बता रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोग क्या वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, इसलिए आप लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं भी तो इसमें मैं आपको बहुत ही आराम से क्वालिफिकेशंस के बारे में बता रही हूँ कि एआरआई का एग्जाम कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर इससे संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट हुआ जो मैंने बताया है उससे रिलेटेड, तो आप ये वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर कमेंट करके अगर पूछेंगे तो मैं आपका रिप्लाई दूंगी। उसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो मुश्किल है कि मैं आप लोगों को आपके आंसर मिल पाए। ठीक है, साथ ही ये कहना है कि प्लीज जो भी इस वीडियो में बता दिया गया हो आप वीडियो को पूरा देखो और वही चीज दोबारा ना पूछो। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, फिर एक एक क्वेश्चन करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों के कमेंट आए थे, एक बार आपके क्वेश्चंस पे नजर डाल लेते हैं, उसके बाद मैं सभी के आंसर्स आपको करूंगी। तो उपासना जी ने पूछा था, मैम एआरआई की पोस्ट में चैनल लगेगा क्या? ठीक है, देख लेते हैं आपके क्वेश्चन को, हम आंसर करेंगे वीडियो में। क्वालिफिकेशन क्या है इस पोस्ट के लिए? ठीक है, राजेश जी ने पूछा था, मैम क्वालिफिकेशन 12th में पीसीएम होना चाहिए या कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, ये भी हम देख लेंगे अभी। ठीक है, सुहानी जी ने पूछा था कि डू वी नीड एलएसटीडी डिप्लोमा फॉर आरआई, तो इसका सवाल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा जवाब। ठीक है, और के इन अतुल सेन जी ने कहा था कि सोशल डिप्लोमा होना चाहिए, भोपाल से होता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। चलिए देख लेते हैं हम कि अब क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, चल जाएगा। ठीक है, आप आराम से सुनेंगे मेरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रही हूं। फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट आने वाली है, जो मेरी पोस्ट है, वो किस चीज की है? ए आर आई। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों को डिसाइड करना है कि हाँ, कि आपको ये जॉब करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, ए आर आई, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या? असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उसको कहा जाएगा सहायक राजस्व निरीक्षक। ठीक है, इस पोस्ट की मैंने आप लोगों से बात की थी कि ये पोस्ट आने वाली है, जो भी व्यापम ने कैलेंडर निकाला है ग्रुप 4 का, उसके तहत ये जॉब आपकी होने वाली है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, 12th आप लोगों ने पास कर रखी हो, वो भी किसी भी सब्जेक्ट से। कोई जरूरी नहीं है कि आपने पीसीएम लिया हो, आर्ट्स लिया हो, मैटर नहीं करता, बस आप 12th क्वालिफाई, मतलब आपने 12th पास करी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाउट्स थे एलएसटीडी डिप्लोमा को लेके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि अभी समय पहले व्यापम में ये था कि आरआई की भर्ती आने वाली है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा आरआई की भर्ती आने वाली है, और इस वजह से मे भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। तो आरआई क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है राजस्व निरीक्षक। ठीक है, डिफरेंस आप लोग समझिए, दोनों अलग अलग पोस्ट की जॉब है। ठीक है, आप लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, जो सहायक राजस्व निरीक्षक की जॉब होती है, ठीक है, ये कौन कराता है? ये व्यापम करवाता है। ठीक है, कौन से पेपर में? तो इसके ग्रुप 4 के एग्जाम में। ठीक है, जो ग्रुप 4 का एग्जाम होता है व्यापम का, इसमें ये वाली जॉब आती है। ठीक है, राजस्व निरीक्षक में ये इसका पेपर कौन कराता है? तो इसका पेपर भी व्यापम करवाता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम किसके तरफ होता है? तो ये होता है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में। आपने जो आप लोगों ने जॉब सुनी है लेबर इंस्पेक्टर, ठीक है, उससे उस नाम से ये फेमस रहती है। लेबर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई थी उसमें ये राजस्व निरीक्षक आता है। ठीक है, ये आरआई होता है फ्रेंड्स। ये वाली पोस्ट की मैं बात नहीं कर रही थी।
ठीक है, इस पोस्ट की नहीं, हम बात कर रहे थे एआरआई की, ठीक है, सहायक राजस्व निरीक्षक, जिसके लिए हमें कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए रहता है, नो डिप्लोमा, ठीक है। सिंपल सी क्वालिफिकेशन है इसकी कि आपको 12th पास होना है, दैट्स इट। किसी भी स्ट्रीम से हो आप, किसी भी हो, आपको 12th पास होना है, और कोई इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। जबकि अगर मैं राजस्व निरीक्षक की बात करूं तो हाँ, इसके एग्जाम के लिए आपको LSGT डिप्लोमा चाहिए रहेगा, लेकिन हम इस जॉब की बात कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि इसके आने के अभी ऐसे कोई आसार हमको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर हुआ था जिसमें इसकी वैकेंसी नहीं आई थी और इसकी वैकेंसी उसी के तहत आती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम किसके एग्जाम की बात कर रहे हैं, एआरआई के एग्जाम की बात कर रहे हैं, जो होता है सहायक राजस्व निरीक्षक। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां उम्मीद है कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूं, चलिए, कुछ समय पहले यहाँ पे चैट सेक्शन में मैंने अभी कुछ दिन पहले कमेंट हुआ था, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। यहाँ पे सुरेश जी ने पूछा था, मैम मेरा PGDCA रनिंग में चल रहा है, क्या मैं सबमिट कर सकता हूँ इस फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको, हम लोगों ने इनको आंसर भी कर दिया था हमारी टाइम में टीम ने, कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन अतुल सैन जी, आप ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, इन्होंने कहा नहीं कर सकते हैं, एक डिप्लोमा होता है RI टाइप अलग से। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब तक आपको क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, आप हेल्प करना चाहते हैं कि आपका जो भी दोस्त है, आप लोग साथ में तैयारी कर रहे हो, एक दोस्त की तरह हो, तो आप बताओ। लेकिन जब तक आप क्लियर नहीं हो किसी भी चीज को लेके, तो आप कमेंट में उसका जवाब ना दे। तब जब मैं बता, हम लोग बता चुके हैं कि भाई आप बिल्कुल कर सकते हो, फिर उस पर आप दोबारा चैट कमेंट करके कह रहे हो कि नहीं, मतलब आप हमें गलत बताना चाह रहे हो कि नहीं, आप गलत बता रहे हो, नहीं कर सकते इसके लिए। हमें ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने ये जॉब ली है तो मुझे ज्यादा ही पता होगा आपसे, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, तो ऐसी गलत इंफॉर्मेशन प्लीज ना दें, ठीक है। जब तक आप खुद क्लियर नहीं है ऐसे चैट में रिप्लाई ना करें, ठीक है। और प्लीज किसी और चैनल का नाम तो बिल्कुल ना लेके, क्योंकि हमने हमारी टीम को कह रखा है जब भी आप दूसरे चैनल का किसी का नाम लेंगे आप ब्लॉक हो जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल आप ब्लॉक हो जाओगे, तो बिल्कुल ना करें ये चीज, और मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर बता दिया है, ठीक है। और उम्मीद है कि अब आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सिंपल सी चीजें, सारी चीजें भूल जाओ। अगर ARI आपको बनना है तो आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहीं पे आपके क्लियर होंगे, हम ARI की तैयारी आपको करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी क्लासेस आपके लिए लगाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्लास चलती है, ठीक है, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए फ्री मॉक टेस्ट चलते हैं, ठीक है। साथ ही ये वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लेना आप लोगों को, जिसमें मैंने सब्जेक्ट्स और एज लिमिट वगैरह सबके बारे में बताया है। साथ ही ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था जब इसकी भर्ती आई थी, इसमें भी मैंने बताया था इससे संबंधित चीजें, ठीक है। कल 12 बजे हिंदी की क्लास होगी, हिंदी की क्लासेस, क्योंकि हिंदी इसका एक सब्जेक्ट होता है, हिंदी की क्लासेस आपके लिए ग्रुप 4 के एग्जाम के लिए शुरू करवा दी गई है, ठीक है। मैथ्स की क्लासेस आपकी चल रही है, सुबह 9 बजे होती है क्लास, जिसमें परसेंटेज फिलहाल चल रहा है, तो आप ये तैयारी कर सकते हैं। साथ ही स्टैटिक GK आपको ARI के एग्जाम और बाकी हर एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही पढ़ाए जा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। ARI के इससे पहले जो भी पेपर हुए हैं वो पेपर आपको एनालाइज करवाए जा रहे हैं, ठीक है। किस चैनल पे, जो हमारा दूसरा चैनल है एग्जाम की सफलता की चाबी, ठीक है, एग्जाम की सफलता की चाबी। तो अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, साथ तैयारी शुरू कर दें हमारे साथ, ठीक है। और ARI के कोई भी डाउट हो, अगर मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आया, तो आप 24 घंटे के अंदर इस वीडियो में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि आप लोग बात बात दोगे आंसर, तो उसका जवाब क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो बताना मुश्किल हो जाता है। ये बात करी गई है ARI की, ARI बनना है, कोई भी अगर डिप्लोमा आप नहीं रखे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके साथ और पोस्टें आएंगी, ठीक है, और भी पोस्टें आती हैं, स्टेनो की आती है, CPCT वालों की आती है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो कर चुके हैं, तो उनके लिए तो आएंगी ही,
लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया है तो ये वाली जो पोस्ट है ये आपके लिए है। तो एआरआई में ना तो आपको स्टेनोग्राफी चाहिए, ठीक है, ना ही आपको सीपीसीटी या कोई भी डिप्लोमा चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप इस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ जल्दी शुरू कर देंगे। थैंक यू।